कल चंडीगढ़ के पंजाब भवन में एक भव्य समारोह में भारतीय क्रिकेटर युवराज सिंह को सम्मानित किया गया। इस सम्मान समारोह में युवी के लिए 1 करोड़ रुपए की इनामी राशि देने की घोषणा की गई। जहां इस बात की खुशी सारे खेल जगत ने जाहिर की, वहीं काफी समय से सरकार से मदद की गुहार लगा रहे बलजीत सिंह ने भी इस कदम की सराहना की। मैं ये समझता कि युवराज सिंह इस सम्मान के हकदार है, उन्होंने काफी समा अपने इंडियन क्रिकेट टीम नूं दित्ता है, ते काफी उन्होंने उपलब्धियां है, वर्ल्ड कप जितवाया है कंट्री वास्ते, ते होर उन्होंने जिन्ना उन्होंने प्रशंसा की जाए उन्नी घट। मैनू इस गल की खुशी है कि पंजाब गवर्नमेंट ने युवराज सिंह उन्होंने बनता सम्मान दिता। 31 साल के बलजीत सिंह उन खिलाड़ियों में से एक हैं जिन पर शायद सरकार ध्यान देना भूल गई। बलजीत सिंह भारत के लिए लगभग 200 अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हॉकी मुकाबले खेल चुके हैं, लेकिन इस अंतर्राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी ने पुणे में एक नेशनल कैंप के दौरान आंख पर गॉल्फ बॉल लगने से अपनी एक आंख गंवा दी। साल 2006 में भारत के लिए पहली बार खेलने वाली इस बेहतरीन खिलाड़ी को साल 2009 में हुई इस इंजरी के बाद कभी भारतीय टीम में वापस खेलने का मौका नहीं मिला, लेकिन लंबे समय से पंजाब सरकार से नौकरी की गुहार लगा रहे बलजीत को सरकार लगातार अनसुना करती रही है। मैं रिक्वेस्ट एक कीती हुई है पंजाब गवर्नमेंट नूं ते कि मैनूं पंजाब दे विच कोई रिप्यूटेड जॉब दिती जावे, ते मेरी होर कोई मांग नहीं हैगी उन्हां तों, ते उन्हां ने सरदार सुखबीर सिंह बादल ने मैनूं भरोसा दवाया कि वह मेरे वास्ते कुछ करनगे, पर मेरे तक हल किसी ने गवर्नमेंट वालों अजे तक अप्रोच नहीं की थी। पर मैं होपफुल हैगा कि वह मेरी जे ये इंटरव्यू सुनते हैं या मेरे बारे कोई अखबार च गल पढ़ते हैं तो वह जरूर कोई पॉजिटिव स्टेप मेरे वास्ते भी चुकन। बलजीत सिंह ने इस बात की तो खुशी जाहिर की कि पंजाब सरकार ने युवराज को सम्मानित किया, लेकिन साथ ही बलजीत इस बात से बेहद निराश नजर आए कि पंजाब सरकार ने उनकी ओर कभी ध्यान नहीं दिया। मैं 2006 तो लेके 2009 तक जिन्ना समा भी मैं कंट्री नूं अपनी सर्विस दे सकिया, उहदे विच मैनूं इस तरीके दा अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस हैगा, एक सैटिस्फैक्शन हैगी है कि मैं कंट्री वास्ते अपना बेस्ट दिता, जो कि वह परफॉर्मेंस सारे मेरे कोचेस ने जो भी मेरे टीममेट्स सी सारे ने एप्रीशिएट किया। कोई भी गेम हैगी, चाहे क्रिकेट हैगी, कबड्डी हैगी, जेड़ा भी कंट्री वास्ते खेलता जितता वह कितने कितने अपनी गवर्नमेंट का अपने स्टेट का नाम उच्चा करता है, तो उन्होंने उन्होंने बनता हक मिलना चाहिए। बलजीत सिंह साल 2007 में एशिया कप जीतने वाली भारतीय टीम का हिस्सा थे, साथ ही 13 साल के अंतराल के बाद सुल्तान अजलान शाह कप और 32 साल के अंतराल के बाद न्यूजीलैंड में टेस्ट सीरीज जीतने वाले हॉकी टीम में भी बलजीत शामिल थे, लेकिन शायद सरकार बलजीत के इस प्रदर्शन को भूल चुकी है। हम देखे असि कि स्पोर्ट्स पॉलिसी के विच 10 DSP प्रमोट किए हैं, युवराज सिंह की गल करिए कि उन्होंने कैंसर तो बाद पंजाब गवर्नमेंट ने काफ़ी वधिया उपरला किया, उन्होंने स्पोर्ट्स अकैडमी खोलने वास्ते 20 एकड़ जमीन दिती है, जो कि वधिया एक उपरला, पर यह पॉलिसीज बनांदा कौन है, गवर्नमेंट बनाती है। सो कई चीज़ें ऐसी होंगे कि जो पहली बार होंगे, जिमें कि मेरे नाल एक इंसीडेंट होया कि मैं कंट्री की टीम का नंबर 1 गोलकीपर हुंदा होया, मैं एक सट की वजह ना मैं बाहर हो गया, वह भी इंडिया टीम वालों खेलदे मेरे सट वजी सी। सो इस तरीके दिया जिहड़ियां जिहड़े नवें केस है उन्होंने भी पॉलिसी के अंडर लैके आना चाहिए, ताकि इस तरीके के केस किसी होर स्पोर्ट्स के विच भी होवे ते वह प्लेयर नूं एक सिक्योरिटी मिल सके। अलग अलग दफ्तरों के चक्कर काट कर थक चुके बलजीत को अब तक केवल झूठे दिलासे ही मिले हैं। बलजीत सिंह ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत के लिए हॉकी खेलते हुए बेहतरीन प्रदर्शन किया और कई मौकों पर भारत की जीत के हीरो बने, लेकिन इस हीरो की आवाज शायद पंजाब सरकार तक नहीं पहुंच रही है। अब उम्मीद यही है कि आने वाले दिनों में बलजीत सिंह की मांगों पर गौर किया जाए और उन्हें उनका हक दिलाया जाए। कैमरा पर्सन पंकज शर्मा और अमन गुप्ता के साथ परवेश संधू, डे एंड नाइट न्यूज, चंडीगढ़।